चलो वेलकम टू माय चैनल। आप आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं, दिस इज हॉलैंड। वो एक बहुत ही अमेजिंग जगह है, हमारा भी फर्स्ट टाइम ही है, आप लोगों से शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉइंट तक जरूर देखिएगा। हम लोग एक फेरी में बैठे हैं जो हमें दूसरी साइड पर लेके जाएगी। मैं आपको दिखा सकती हूँ, लोग इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, लोगों की साइकिल्स भी साथ हैं और ये बिल्कुल फ्री होती है। सो हम उस तरफ जाएंगे, सेंट्रल वाली साइड पर है, इतना खूबसूरत व्यू है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बच्चे भी आज बहुत एक्साइटिंग हैं, ये एम्स्टर्डम की बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। Dat Rusland niet de kerstkamer zet. Rusland het geld kost, dus ik denk. स्कैन करना तो फिर आपके फोन पे आ जाएगा, ईमेल अपना लिखना। यहाँ पर पिक्चर ली गई है और उन्होंने कार्ड दिया कि स्कैन करेंगे ना, ये मैं बाद में घर जाके आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। हम लोग वेटिंग एरिया में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। लोग यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं। Wat een heerlijke omgeving, hè? Zo ziet Holland er vandaag de dag uit. Met veel vergeving zien we elkaar straks. Dankjewel.
nu in Amsterdam. U bevindt zich op de locatie van de blauwe speldenknop. Amsterdam staat bekend om haar grachten. Die staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. We hebben 9 UNESCO-plekken in Nederland en eentje op Curaçao. Zoeken is... Yes, 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 yes! Wat vieren we op 27 april? Juist, Koningsdag. De verjaardag van onze koning. Het hele land kleurt dan oranje. Ons personeel voert de laatste check. Uw vlucht start over 30 seconden. पानी आ रहा था, हम लोगों को लग रहा था हम पूरे नेदरलैंड्स की सैर कर रहे हैं. जब ट्यूलिप्स आए तो इतनी खुशबू फूलों की, और जब पानी के ऊपर से गुजरे तो हम लोगों पे पानी गिरने लग गया, हवा चल रही थी. बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, और हमें देख के लगा है रियल में नेदरलैंड्स बहुत खूबसूरत है. हम लोगों को सीट बेल्ट लगा के बिठा दिया था, और इस तरह की मूवी दिखा रहे थे कि हम ऊपर से पूरे नेदरलैंड्स की सैर कर रहे हैं. इसकी वीडियो है, मतलब इस तरह ये पूरी वीडियो बनी थी. ये देखिए छोटा बंदा भाग गया. The result of this mount, the Dutch had the possibility to reclaim existing land that was below sea level. To protect the land from the water, large storm surge barriers can be closed in case of heavy rainfall, storms, or during a spring. This is what a windmill looks like from the inside. There are 19 windmills situated in Kinderdijk, a small village in the province of Zuid-Holland. The mills of Kinderdijk were built to pump water out of a lower bore. These stations are used to keep Holland dry. Here you see one of 11 employees that are required to operate the station. They have to fill up the boilers and start up the eight pumps. वापस फेरी की तरफ जा रहे हैं, बहुत मजा आया. ये देखें, ये फेरी की सैर बहुत अच्छा मजेदार. ये देखें, ये स्टार्ट हो जाएगी, अब वापसी की तैयारी है. आपको मेरी वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें.
शेयर करें. मुझे अभी तक काफ़ी लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया. हम लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं एक नए व्लॉग में. अल्लाह हाफिज़.